वेलकम टू आवर चैनल। आज आप जो यहाँ पे देख रहे हैं एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। अब यहाँ पे आप इतना बड़ा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें न जाने कितनी बड़ी जोड़ घटाना गुणा भाग है। आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आप इसको जस्ट 4 या 5 सेकंड में इजिली कर लेंगे। आपको क्या करना है, 789 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको जस्ट ए मान लीजिए एंड 211 को बी मान लीजिए। तो अब देखिए, ए ए ए 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब, बी 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 ये 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो ये हो जाएगा बी क्यूब। नीचे होगा ए इंटू ए, ए स्क्वायर ए इंटू बी माइनस ए बी और ए इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं अभी बता देती हूँ आपको। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बी है, बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ये हमारा जो नीचे है उसे ऐसे ही लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या बचा, केवल ए प्लस बी, यानी 789 प्लस 211। इसको ऐड करेंगे तो 1000 आपका आंसर आ गया है। आपको कुछ नहीं करा, इसको आप मात्र मेरे ख्याल से 10 या 15 सेकंड में आपने इजिली से सॉल्व कर लिया होगा। आप देखते हैं हम एक सिंप्लीफिकेशन का एक दूसरा क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमारे पास इतनी बड़ी डिजिट लिखी हुई है। इसका इसको प्लस इसको ऐड करके स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से इसे अगेन ए मान लीजिए और इसे बी मान लीजिए। सेम यहाँ पे ए और ये बी हो जाए, यहाँ पे खुलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड इधर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे हमारा जो बचता है वो a इंटू बी बचता है हमारे पास। अब इसे आगे हम सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, यहां आपका ए बी ऑलरेडी है और 2ab प्लस 2ab आपका 4ab अपॉन ab, ab से ab कटा, आपका आंसर आया 4। मतलब इतना बड़ा जो क्वेश्चन था इसका आंसर आपके पास आ रहा है 4। आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको ना जोड़ना है ना घटाना है ना स्क्वायर करना है ना क्यूब करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताना चाहिए। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए गुड लक फ्रेंड्स, बाय बाय।